हॉट लड़की और एक गीकी लड़का कभी दोस्त नहीं हो सकते। Your attitude is I'm Mr. Know-it-all. अरे दोस्त क्या पड़ोसी भी नहीं हो सकते। लेकिन हमने दुनिया का ये दस्तूर बदला, उसे चैलेंज किया। 22 कंट्रीज में कई सालों से हम ये सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें 10 ब्यूटीज और 10 गीकी बॉयज को एक साथ रहना पड़ता है और एक दूसरे से कुछ सीखना, एक दूसरे को कुछ सिखाना पड़ता है। इसे रियलिटी शो मत समझिए, ये है एक रियल सोशल एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के एंड में जिन दो लोगों के एटीट्यूड और सोच में सबसे ज्यादा परिवर्तन आया, वो बने हमारे विनर्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तैयार हो जाइए, क्योंकि दुनिया भर में धूम मचाने के बाद अब ये सोशल एक्सपेरिमेंट आ रहा है इंडिया। दिस इज ब्यूटी एंड द गीक, अकल मीट शकल। क्लोजली कभी इतने सारे हॉट गर्ल्स को नहीं देखा। मुझे फर्स्ट फीलिंग ये आई कि या तो ये भाग जाएंगे या शायद हम भाग जाएंगे। सो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम टू ब्यूटी एंड द गीक। अपनी जिंदगी में कभी पहले इतना ऐसा नजारा तो लाइफ तो कभी नहीं देखा। जस्ट गिव मी अ हग। कोई अनजान किसी को क्यों हग देगा। अभिषेक और सनैना, आप बताइए एक जोड़ी जो आप भेजना चाहते हैं टू द एलिमिनेशन। श्वेता एंड मनीष, आज आपने ये टेस्ट फेल किया है and you are out of this social experiment. Tit for tat to mera hamesha se hi raha hai, main wo karke dungi tako. Then I'll make sure main wapas aaun aur fir main inki hi baza ke. Main ye show tha Sunaina nominate karegi kyunki first day se hi chahti thi ki main uska partner banu, lekin aisa nahi hua to chahti agar ye mera nahi hua to kisi ka nahi hua. He is one chupa Rustam, I must say, because you know what he shows, he's not like that. Kya hua hai? Quiz competition. मुझे था कि श्वेता वापस नहीं आए, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट शी विल बी। 10 लड़के 10 लड़कियां 20 लोगों में जो है वो ग्रुप्स बटे हुए हैं, मुस्कान, सुनैना, एनी एंड कैजीन। टिट फॉर टैट जो वो करेगी वो मैं करूंगी, अगर उससे एक कदम आगे रहूंगी। मुझे थोड़ा बहुत तो लगा कि वो बैंड बजाएगी, मगर अभी तक जैसे बात करी वो तो अच्छा ही है। सुबह उठने के बाद हम लोग बीच पे गए, वहाँ पे खेल कूद किया। अभिषेक बहुत ही सीधा साधा लड़का है, सुनैना जो बोलती है वो करता है। अभिषेक के पास ज्यादा कुछ ऑप्शंस है नहीं, चाय और सब्जी मिक्स हो गई। गुड मॉर्निंग ब्यूटीज एंड गीक्स, वेलकम टू माय बेला बीच गोवा। गुड मॉर्निंग हैंडी। बैक टू द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी वापस आए हैं क्योंकि यहाँ पे आपको आपका स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये है आपका दूसरा प्रोजेक्ट। उससे पहले कि हम प्रोजेक्ट तक पहुँचे, मैं ये पता लगाना चाहता था कि बेचारी श्वेता अकेली रह गई, कैसे रहा आपका ये अकेलापन? ठीक था। इट्स रियली फनी कि ध्रुव आपके पास ही खड़ा है, वो भी अकेला है बेचारा। तो ऐसा होगा कि श्वेता और ध्रुव आप एक दूसरे के पार्टनर बनेंगे। ध्रुव के साथ पेयर अप हुआ है, बट इट्स जस्ट लाइक ओके टाइप, आई एम नॉट हैप्पी बट आई एम नॉट सैड। अभी आपको मैं आपका स्टडी मटेरियल देने वाला हूँ और वो स्टडी मटेरियल बहुत ही डिफरेंट है। तो इस बार हमारे प्रोजेक्ट दो होंगे, एक होगा ब्यूटीज के लिए और एक होगा गीक्स के लिए। पहले ब्यूटीज, ये पर्दे के पीछे कुछ है। Andy removed the cloth and he showed the skeletons. मुझे तो ऐसा लगा इसमें गई है कुछ साइंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है और ये है आपका स्टडी ब्रीफ, स्टडी मटेरियल। आपको ये सब कुछ स्टडी करना होगा।
अपने पार्टनर्स को अभी तक जान नहीं पाया, अब स्केलेटन को कहाँ कहाँ से जाने, लाइक 206 हड्डी किस कौन सी हड्डी को क्या बोलते हैं। नाउ लेट्स गो ऑन टू द गीक। हमारे गीक्स को पूरी बॉडी का मसाज सीखना होगा। क्या? अपने लिए तो मसाज वही थी, 15 रुपए दिया और नाई को बोला कि भाई चंप भी कर दे। तो ये है आपका टोटल बॉडी मसाज एंड यू गॉट हॉट स्टोन मसाज थेरेपी एंड ह्यूमन बॉडी। इतनी मोटी मोटी बुक्स पकड़ा दी जो कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी है। जस्ट नॉट माई सब्जेक्ट नाउ, लाइक डैम इट, आई एम गॉन। गीक्स आप एक एक करके प्लीज आपकी स्टडी मटेरियल ले जाइए। ओके क्लास डिसमिस। हमें प्रोफेसर एंडी ने जो स्टडी मटेरियल दिया वो बड़ा ही अजीब सा था और मैं तो सही बताऊं तो घबरा ही गया था ये देख के किताब सबसे पहले। तो मैं दो लाइन भी पढ़ूंगी उसके बाद मुझे नींद आने लगी और मैं नहीं पढ़ सकती। जो इम्पोर्टेंट दिख रहा है उसको लिख लो, उसके अलावा तो भगवान भरोसे आप कुछ कर नहीं सकते भैया। एनी ने पहले ही बोल दिया था कि उसने मसाज करवाया है और उसको आइडिया है तो वो बताएगी मुझे। अगर फेस मसाज हो ना तो किसी को भी ना तुम ना ये आईज के ऊपर ना आईबॉल के ऊपर ना बार 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 ये करना और ऐसे दबाना और छोड़ देना। यहाँ पे फिंगर्स आ रही हैं, आते 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 पूरा हाथ आ जाता है। कोशिश कर रहे थे कि जितना हमें पता है उतना हम दोनों को बता दें ताकि दे कैन यू नो परफॉर्म वेल। ओह माय गॉड नो, मैंने कहा था और अभी तो हाफ है। अभी सारे बोन क्यों है हमारे बॉडी में? कितने बोन्स होते हैं ये तो पता होगा। अभी तो मेरी क्लास में थे। इतने बड़े बड़े वर्ड्स हैं कि शुरू होते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। आमिर प्रैक्टिस कर रहा था पिलो के साथ, मैंने कभी ऐसे देखा नहीं किसी को करते हुए, मुझे फनी लग रहा था। ये क्या हो रहा है यू नो बिकॉज इट वॉज वेरी वियर्ड द वे ही वॉज डूइंग इट, आई कुडंट टेक इट, मैंने कभी ऐसे देखा नहीं किसी को करते हुए। तो इसके लिए मैंने बोला ठीक है मैं बाहर जाके करती हूँ। हेलो बर्थडे नाउ। मैं तेरे लिए डेमो बन जाऊंगा, एक रख के मारूंगा ना। ये मेरे लिए डेमो है भाई, प्लीज मैं तेरा डेमो बनाऊंगा। ठीक है, अबे ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पार्ट ऑफ दिस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाजिंग। मुझे मत सिखा, अपने आप पढ़ और फिर मुझे ऐसे ऐसे बताता रहे कैसे करना है, पूरा रीड कर ले मुझे सब कुछ समझा रहे। ये लो बायोलॉजी बुक पढ़ो, इसका पेरेंट नहीं हो पार्टनर हो। मैं ऐसे पढ़ने बैठी हूँ मेरे नींद आ जाएगी, मैं जाके सो जाऊंगी। आई हेट बुक्स। अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता कि ऐसा कुछ बुक से रिलेटेड कुछ है और मुझे यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा ऐसा, मैं कभी नहीं आते यहाँ पे। मैं अपनी तरफ से मैंने काफी कोशिश किया था। यू हैव टू पुश दीस प्रेशर पॉइंट्स टू रिलीज द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू आउट योर बॉडी। ध्रुव इज बोरिंग एट टाइम्स। मैं काफी टेंशन में था। नहीं ऐसा मत करो, तुम्हारा भी तो इंसान बनो। असाइनमेंट्स खत्म करने के बाद हमें प्रोजेक्ट के लिए बुलाया गया। ये है पहला प्रोजेक्ट जो आप सब गीक्स करेंगे। सो ब्यूटीज आप जाके अभी तैयार हो जाइए, गेट कंफर्टेबल। अभी हमारी ब्यूटीज वापस आएंगी, हर एक गीक हर एक ब्यूटी को मसाज देगा। अपनी जिंदगी में मैंने कभी 10 लड़कियों को एक साथ देखा नहीं था, मसाज की तो बात दूर। बाप रे, सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा। आपके पीछे वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं आपके मसाज के जरिए। लेट्स हैव द गर्ल्स बैक प्लीज। वेलकम बैक ब्यूटीज, वेलकम बैक। आप अभी मसाज को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, सिर्फ आपके गीक से नहीं बल्कि सारे गीक सारी ब्यूटीज को मसाज करेंगे। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट वॉज न्यू टू मी क्योंकि आई हैव नेवर टेकन अ बॉडी मसाज, लड़कों से कभी नहीं लिए। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ट्विस्ट तो होना चाहिए। आपकी आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी और आपके एयर्स में म्यूजिक बजेगा। Are you guys ready? No. ये जो सोशल एक्सपेरिमेंट है इसमें ये प्रोजेक्ट फिट नहीं बैठता है कि 10 लड़के जो कि 10 लड़कियों से अनजान हैं और दो दिन पहले मिले हैं उनको जाके मसाज दें। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मसाज देने में।
पर एक्चुअली ये हमारा एक्सपेरिमेंट है तो इसलिए तो आपको यहाँ पे हमने बुलाया है। इस एक्सपेरिमेंट के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये एक्सपेरिमेंट के साथ ही आप कंफर्टेबल नहीं है? इस वाले इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। पूरे एक्सपेरिमेंट में यही है तो आगे जाके आप फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे? हाँ शायद ना कर पाऊं। मुझे नहीं पता था कि वो क्विट कर देंगे। So I was bit hit. So, आप कुछ कहना चाहती हैं आपके गीत को? I have come here to perform, so I will be performing. This experiment is about शक्ल और अकल का deadly combination. So unfortunately, इस project से आप जा सकते हैं and आप सीधे elimination पर जाएंगे. Thank you. सिर्फ मेरे पार्टनर को प्रॉब्लम थी, so I was hit badly that मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी. Okay, so derobe my beauties, derobe. एक्साइटेड थे ना, सारे एक्साइटेड थे कि आज हम मसाज देने वाले हैं। ओके गर्ल्स, अब आप लेट जाएं और एयरफोन्स पहन लीजिए, आंखों पे पट्टी, और हर 3 मिनट के बाद हम आपको उठाएंगे और आपका स्कोर मांगेंगे। ओके, सो पेपर आपके सामने है, पेन भी है, एंड द टाइम बिगिंस नाउ, गो। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि ऐसे आज तक मैंने किसी को मसाज नहीं दी है। थोड़ा डर लग रहा था, हाथ लगाने से पहले भी दो बार सोच रहा था रखूं कि नहीं रखूं, रखूं कि नहीं रखूं। निमला को अपर बैक मसाज देना था और मैंने जैसे ही ऑयल डाल के उसको स्टार्ट किया तो मैं लिटरली शिवर कर रहा था। ओके बॉयज, आपका पहला टाइम हो गया है, अभी आप ऐसे कीजिए, आप उस तरफ और आप एक एक करके इस तरफ आइए। ब्यूटी, अभी मुझे आपके पहले स्कोर चाहिए। स्टार्ट योर सेकंड मसाज। कुछ लोगों ने तो मेरे ऊपर बेलन और आटा पता नहीं क्या कर दिया, सो आई डिड गो थ्रू दैट टॉर्चर। यस, कहीं करते करते नीचे चला जाऊं, ऊपर चला जाऊं, कहां गलती से कहां हाथ लग जाए, रख दे उठ के इज्जत चली जाए नेशनल चैनल पे। I didn't want anyone to go beyond like down, एकदम नीचे नीचे, इसलिए मुझे थोड़ा weird लग रहा, जो भी नीचे जाता था उसको मैं कम points दे रही थी। Time is almost up. मेरे हाथ में मिट्टी चिपक गया था, वो मिट्टी उसके बालों में भी चिपक गया। He told me that कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया था तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सैंड भी है मेरे हाथ में उससे मसाज करूँगा तो ज़्यादा अच्छा मसाज होगा। जब मैं मसाज सलोन में करवाने जाती हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है, मेरा मन करता है कि मैं रोज़ आऊँ, बट जो मसाज मुझे आज मिली थी मैं ज़िंदगी में वापस नहीं लेने वाली हूँ। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये गीक से इन्हें कुछ नहीं आता। बॉयज, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है, ये आपका आखिरी मसाज था और वो भी खत्म हो गया। ओके ब्यूटी एंड गीक्स, मेरे हाथ में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सब इंतजार में हैं। Aditi, please come in. Okay, so मैं results अभी सुनाने वाला हूँ। अभिमन्यु, आप कहाँ है अभिमन्यु? आपको कैसे लगता है आपने कैसे किया? ठीक ठाक ही किया होगा। ठीक ठाक। Actually, are you ready? Smile. Stop smiling, you idiot. You came last. अगर देखा जाए टॉप 3 पोजीशंस बहुत ही नजदीक हैं, क्योंकि एक के पास है 54, एक के पास है 58 और टॉप विनिंग पोजीशन पे हैं 60. पर वो है कौन? सो लेट्स स्टार्ट विद 54. यानी कि थर्ड पोजीशन है
क्रिएटिव क्रिश। डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी हुई बट खुशी ज्यादा थी कि एटलीस्ट मैं टॉप थ्री में हूँ। नाउ सेकंड पोजीशन, ये बहुत ही क्लोज था, 60-58, 60-58। Where are you, Faisal? Yes, number two. So, first marks मिलते हैं, top marks on top of the project is बस इनको कोई नहीं बचा सकता। जो हमें दूसरा प्रोजेक्ट मिला है वो इट्स आई थिंक मोर ऑफ बायोलॉजी। मैंने लाइफ में कभी साइंटिफिक हिंदी टर्म्स यूज नहीं किए हैं, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत टफ है। ऐसे बुक खोल के 10 मिनट में सो जाओ। मुझे खोलने का ही मन नहीं कर रहा। मैं थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहती हूँ। ऐसा लग रहा है कि सपना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। बुक को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि बुक्स देख कर मुझे नींद आती है। मुझे कुछ प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। मैंने कहा मैं तो गया। वैसे ही मेरी पार्टनर को नाम याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आई रिमेम्बर अतड़ी एंड कंसंट्रेट नी कैप। ये तो मेरी योगा टीचर बताती है। इसका कवर योर नी कैप। हां, नी कैप का मतलब बताओ। बहुत ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि मैंने स्कूल के बाद कभी साइंस की बुक्स पढ़ी नहीं, ना मैंने कभी कोई बुक देखी है साइंस की। कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन। लेकिन मैंने दो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। ये नहीं कि मैं पढ़ नहीं सकती थी, वो हिंदी में थी। I don't understand this Hindi. एड़ी की हड्डी, एंकल, हील बोन, या ओ गॉड, वो हिंदी वाले नाम मेरे को हिंदी नहीं पढ़नी आती ढंग से। आई कैन नॉट इवन प्रोनाउंस देम इन हिंदी। पित्ता सही की थैली, पता नहीं गल ब्लेडर उसकी, मुझे कैसे याद होगा ये सब। आई कैन नॉट यू नो प्रोनंशिएट दीस टर्म्स। आई दृष्टि तंत्र, तांत्रिक, तंत्रिका, लार लार लार, क्या है आगे? लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, हड्डियां, प्रकोष्ठ। मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मुझे आज ही वो मिला है, मेरा बॉयफ्रेंड। मैं इतनी ज्यादा खुश हुई और मुझे बहुत क्यूट सा लगा। वो बहुत ज्यादा क्यूट है। उसकी स्माइल तो इतनी अच्छी कि बस पूछो मत। मुझे फाइनली मेरा मिस्टर परफेक्ट मिल गया। एक बार देख रहा है ह्यूमन एनाटॉमी को। ओह माय गॉड, देयर इज सो मेनी। श्वेता एक ऐसी लड़की है जो उसने पहले से भी कहा था कि मुझे बुक्स नहीं पढ़ना है। जब फिजिक केमिस्ट्री और बायो की बात आती है, लाइक साइंस की बात आती है, तो मेरे तो वैसे ही तोते उड़ जाता है। अगर हमको डंपिंग ग्राउंड में भी जाना पड़ता है, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, उसने कहा था कि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करेगी, तो मैं थोड़ा इरिटेटेड सा हो गया। ये प्रोजेक्ट्स है ब्यूटीज के लिए, आपके गीक्स भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। अदिति, आपके गीक ने प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया। अगर आज आप इस प्रोजेक्ट में सबसे नंबर वन पे आती हैं, तो आप एलिमिनेशन फेस नहीं करेंगी। और निर्मला, अगर आप भी यहाँ फर्स्ट नंबर पर पहुंच पाती हैं, तो आपको मैं दूंगा अल्टीमेट सुप्रीम पावर। बॉयज अप ऑन द पोडियम प्लीज। अभी मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर। एक्चुअली क्वेश्चन से ज्यादा मैं ह्यूमन एनाटॉमी का पार्ट बोलूंगा। जब मैं वो पार्ट बोलूं, तो आपको मार्कर से अपने गीक के बॉडी के ऊपर मार्क करना है। अगर आपने ये सही किया तो आपको एक मार्क मिलेगा, और अगर आपने गलत किया
तो मैं सोच रहा था यार ये तो ज्यादा ही कुछ ट्विस्ट रहा. माय ओनली रिएक्शन वाज लाइक द हॉरर द हॉरर. प्रोफेसर एंडी ने हटाया तो सबसे पहले हमें दिखा लाइक कैंस ऑफ वैक्स. अगर आपने मेरे सवाल का जवाब यानी कि अपने गीक के बॉडी के पार्ट को गलत बताया तो आपको वही बॉडी पार्ट वैक्स करना पड़ेगा. I'm like, dude, these guys are बस इनको कोई नहीं बचा सकता because it really does hurt. Now मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ. एक मेरा बहुत ही चहेता दोस्त डॉक्टर गुप्ता. वेलकम डॉक्टर गुप्ता प्लीज. डॉक्टर गुप्ता मुझे बताएंगे कि आखिर आपके जो जवाब हैं सही है कि नहीं. सो आर यू रेडी एंडी? वी आर क्विटिंग दिस गेम. क्यों? क्योंकि मैंने अपना स्टडी मटेरियल इतनी अच्छी तरह से नहीं रीड किया. आपने अपना स्टडी मटेरियल नहीं सीखा. इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट इज फाइन विद मी. आई एम वेरी ओके. बट ये एक्सपेरिमेंट के पार्ट है. आई डोंट लाइक अनइंटरेस्टिंग पीपल सो मे बी आई शुड सेंड यू होम. She quit from the project. That was very shocking for me. Tasks related to books, to tasks related to your history, science, maths, I can't do. Dhruv, aapko kya lagta hai? Aap inki wajah se aapko bhi ghar jana chahiye? I don't mind. To iska matlab aap ek loser ho. Shweta aur Dhruv, please leave. Thank you. So, let's move on. Boys, let's take our clothes off. Yani ke, strip baby, strip! Woohoo! Jab sare ladkon ne apne kapde nikale the, sare funny lage. I think they desperately need to go to the gym. Maine mere partner ki taraf dekha to mera first reaction tha ki wapas pehen le please. Okay girls, pehla question. Aapki geek ke body ke upar aapko mark karna hai. Aapko dhoondna hoga बॉडी में स्प्लीन कहाँ है. डॉक्टर गुप्ता आप बताइए, पहले यहां से शुरू करते हैं. हर्षित के बॉडी के ऊपर एक मार्क है, क्या वो सही है? लेफ्ट साइड होनी चाहिए और थोड़ी और लेफ्ट. या तो ये गलत है. या अब मैं डॉक्टर थोड़े ना हूँ कि मैं एग्जैक्टली बताऊंगी कि थोड़ा सा और लेफ्ट में एक इंच लेफ्ट की तरफ होता है. आगे देखते हैं. सेम थिंग. ये भी सेम है, ये भी गलत है. आपने की कॉपी की होगी. अच्छा यहाँ पे कहाँ है? मार्क नहीं किया. जर्मन में मार्क नहीं किया. नेक्स्ट बट क्लोज इनफ. या क्लोज इनफ. ओके वन पॉइंट फॉर यू. मैं सोच रहा था कि भाई जो भी जवाब होगा ये डॉक्टर ही बताएगा कि अभी मेरी वैक्सिंग यहाँ होनी है या नहीं होनी है. पर फॉर्चुनेटली ईशा ने जिस जगह पे मार्क किया था वो सही था. केकशा बताइए, क्रिश को दिखाइए, हटिए. ओके वन पॉइंट फॉर केकशा. अदिति के लिए, आदित्य का, आदित्य ने थोड़ा ज्यादा ही फार लेफ्ट कर. आदित्य आई एम अफ्रेड यू आर रॉन्ग. द डायग्राम इट वाज देयर ओनली. वो डॉक्टर के साथ भी आर्ग्यू कर रही थी. डॉक्टर को बोल रही थी नहीं 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 गलत है. अभिमन्यु की बॉडी के ऊपर कहाँ है मार्क? नहीं है. डार्लिंग ये आपने क्या किया? आई डोंट हैव एनी आईडिया. मेरी पार्टनर ने तो जीरो एफर्ट्स डाल दिए. उसने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि बॉस मुझे कुछ नहीं पता. मैं सोच ही रहा था कि अब क्या मतलब है, जितने पूछेगा सवाल उतनी बार वैक्सिंग होगी. शहजीद आपका मार्क कहाँ है? Close enough. Very good, close enough. One more point for you. Annie. बहुत ही गलत. ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि ये बहुत गलत है. Okay, let the waxing begin. सबसे फनी पार्ट लगा कि एनी अपने गीक पे ऐसे वैक्स लगा रही थी जैसे ब्रेड पे बटर लगाते. बहुत फनी था. इसलिए फनी था क्योंकि उसकी बहुत क्यूट सी टमी है. मुझे गुदगुदी हो रही थी जब वैक्सिंग के लिए वो नाइफ मेरे बॉडी पे लगाया जा रहा था. वैक्सिंग स्ट्रिप वहाँ पे लगाई गई और एकदम खींचे गए. बहुत पेनफुल था. मुझे एक तरफ से बुरा लग रहा था कि you know how sad they have to go through it. आगे बढ़ते हैं. Here we go. आप ब्यूटीज को बताना है कि पिंडली कहाँ है.
And I was so happy. मैंने किया था वो femur bone spindly. I just marked it without even looking here and there because I'm sure about it. तो geek, हमें बताइए कि mark कहाँ लगा है? मुस्कान, 1 point for you. ये भी सही. आप भी उठ जाइए. निर्मला, बताइए. आपने लगाया नहीं? Oh no. और नेक. मैंने पढ़ने की कोशिश की थी मगर मुझे याद नहीं हुआ. अभिमन्यु, अनफॉर्चुनेटली आपकी पार्टनर ने कुछ काम ही नहीं किया. नहीं, मुझे आरा के ऊपर गुस्सा तो आ रहा था उस टाइम पे, और जायज भी था. बार बार वैक्सिंग हो रही है, मजाक थोड़ी है यार. ओ माय गॉड, जब गीक्स की वैक्सिंग हो रही थी तो क्या सब लोग आउच. They were like, oh, oh. अग्न्य यशय ग्रंथि कहाँ पे पड़ता है? हर्षित कहाँ पे मार्क है? एक पॉइंट. गलत. 1 point. मैं कोई शेव वेव नहीं करता, तो मेरे लिए और प्रॉब्लम का काम था ये. अच्छा तो किसी का देख के नहीं लगा. So bad. And you know what? The boys are starting to hate us now because you all made us do all these things. जब स्ट्रिप खींचती है तो इतने सारे वाले एक साथ निकल आते हैं. बस क्या बताऊँ, ऐसी फीलिंग होती है ना कि अब दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करनी उसको, ऐसा लगता है. ओके, अभी मेरे पास रिजल्ट्स हैं और मुझे अभी पता है कि कौन जीत गया है. थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू सो मच. मैं अब कह सकता हूँ 3 पार्टनरशिप्स टाई पर हैं और दे आर टाइंग फॉर द सेकेंड प्लेस. नाउ जो सेकेंड प्लेस पर हैं वो हैं सुनैना अभिषेक, सेकंड प्लेस. सुनैना आज भी अगर एक और आंसर सही देती थी तो आज का भी हम लोग जीत जाते थे. ऐशा कुमार गौरव, सेकंड प्लेस. केकशा कृष, सेकंड प्लेस. तो अभी ये देखना है कि अदिति, आदित्या, क्या आप जीत गए या बिल्कुल हार गए. मुस्कान, हर्षित, क्या आप नंबर 1 पे हैं या फिर आप बिल्कुल हार गए? मुस्कान और हर्षित हैव वन, दे आर नंबर 1. कांग्रेचुलेशन. आइए आइए. एक आर स्टूडेंट ने एक साइंस का टास्क जीते, विच इज लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. हैप्पी इसलिए क्योंकि मुस्कान टास्क जीती और द ब्यूटी एंड द गीक का टैग होता है, वो उसको लगा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर. ओके, वेल डन, थैंक यू सो मच. आप जीत गए हैं, कांग्रेचुलेशंस. आप वापस जा सकते हैं. ओके, सो गौरव, निर्मला और हर्षित और मुस्कान, आपको इम्यूनिटी मिलती है और आपको पावर भी मिलता है. आप एक एक टीम को नॉमिनेट कर सकते हो और ऑलरेडी नॉमिनेशन में हैं आदित्या और अदिति. इट्स अ स्लैप इन माय फेस. एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने क्विट किया था, ध्रुव और श्वेता भी वहां दिखेंगे. सो इस बार एलिमिनेशन में हैं 4 टीम. सो गाइस, थैंक यू वेरी मच. आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और मैं बहुत खुश हुआ. I will see you in nomination. Class dismissed. पहले दिन से वो बहुत ज़्यादा frustrated है. हमारे 4 partnerships जो जा रहे हैं eliminations में आ श्वेता और ध्रुव की जोड़ी अभी बने हुए शायद 24 घंटे भी नहीं हुए थे और 24 घंटे में शायद इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता किसी का. What happened? But no. बहुत ही सैड हो जाता है, बहुत ही अकेला महसूस करता है क्योंकि श्वेता की वजह से ध्रुव को ग्रो अप करने का मौका नहीं मिल रहा है. जैसे ध्रुव अभी महसूस कर रहा है, कुछ टाइम पहले मनीष भी वैसे ही महसूस कर रहा था. I just know that there is some problem which has already started.
He's got that thing. He's told me this. Pehle, please go away. He's got anger, this thing. He can't manage his anger. Please go away. पहले दिन से वो बहुत ज़्यादा frustrated है. उसने बोला यार पहले partner नहीं मिली, अब मिली तो ऐसे ही मिली. He's got a problem. He's told me this before. जितनी सारी चीजें एक साथ घट रही हैं, हो सकता है उन सारी चीजों ने उसको एनहांस करने में मदद की हो. कुछ तो है, समथिंग इज रॉन्ग, आई डोंट नो. ही डजंट हैव समथिंग. ब्रेक दैट, आई ब्रेक दैट. मार दा. बीसी एमसी ये वो गाली आई, बहुत सारी गाली आई. क्या बोल, अगर उसको भी गुस्सा आता है तो वो शायद उस टाइम नहीं रिएक्ट करता, वो अपने माइंड में भरे रखता है और एकदम से वो किसी दिन निकलता है. Raise your hands on crew, okay? You abused so many people here, okay? It's wrong. किसी ने उससे शायद ये बोल दिया है कि मनीष श्वेता की वजह से किया, तो उसके अंदर बैठ गया है कि हो सकता है श्वेता मेरे को भी एलिमिनेट ना करवा दे. मुझे डेफिनेटली श्वेता से छुटकारा पाना है. मुझे नहीं लगता कि आज मेरे चांसेस है नॉमिनेशन में. भी नॉमिनेशन होगा और उसमें क्या होगा और कौन किससे बदला लेगा. सब लोग डरे डरे सहमे सहमे से हैं, पता नहीं क्या होगा. गुड इवनिंग ब्यूटीज एंड गुड इवनिंग गीक्स. गुड इवनिंग प्रोफेसर. आपका ये दूसरा नॉमिनेशन है और दो नॉमिनेशंस हमको ऑलरेडी पता हैं और दो नॉमिनेशंस पता लगाना अभी हमारा काम है. दित्या, आपने आपका जो प्रोजेक्ट था उससे आप क्विट किया और आपने कोशिश भी नहीं की, तो इसलिए आपको हम एलिमिनेशन से भेजने वाले हैं. मैं एलिमिनेशन राउंड में ही नहीं होती अगर उन्होंने कल टास्क परफॉर्म करा होता. श्वेता, yeah. आपने क्विट किया था और ध्रुव, आई थिंक आपने कुछ बोला ही नहीं. ये सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं था, ये हम दोनों का डिसीजन. अच्छा, आप दोनों का कम्बाइंड डिसीजन था. yes. ध्रुव, क्या ये सही है? यस, ये सही है कि हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था. सो श्वेता, ध्रुव, अभी आर अप फॉर एलिमिनेशन. ओके, सो मूविंग ऑन. तो पहले विनर्स थे निर्मला और गौरव, आप आइए सामने आइए. और मुस्कान और हर्षित, आप भी आ जाइए इस तरफ. गौरव और निर्मला के बीच में कोई डिसीजन लेगा तो वो गौरव होगा. तो आप बताइए कि आपका नॉमिनेशन कौन है. गौरव तो कह रहा है कि मैं सुनैना को ही डालूंगा. सुनैना को नॉमिनेट कर रही है तो हम कैकशा को नॉमिनेट करेंगे बिकॉज कैकशा इज निर्मला's गुड फ्रेंड. इसको ना मत लेना, अगर वापस आएगी क्या धमकी दे रही है. किसी से जीतना है तो खेल के जीतो. इसको उससे करवा दिया, उसको उससे करवा दिया, ऐसे गेम थोड़ी ना जीता जाता है. मेरे पास एक वैलिड रीजन है, मैं उसी को कर दूंगा और किसी को नहीं करूंगा, मेरा तो श्योर है. सुनैना एंड अभिषेक. उन लोगों ने रिवेंज लेने के लिए या टिट फॉर टैट करने के लिए उन लोगों ने हमें फिर से नॉमिनेट कर दिया. मैं तो उसको देखना नहीं चाहता, मैं खुन्ना से उससे बाहर निकलेगी तो जड़ भी दूंगा. गॉड हेल्प हिम इफ आई कम बैक. मुस्कान, तो आपका डिसीजन क्या है. मुस्कान कह रही है कि मैं डालूंगी कैकशा को. तो मुझे लगा शायद ये चल जाएगा स्ट्रेटजी कि वो उसको बचाने के चक्कर बोलेगी ठीक है मैं सुनैना को नॉमिनेट नहीं करती. आई वुड नॉमिनेट आरा एंड अभिमन्यु. जैसे मुझे पता चला मुस्कान एलिमिनेट कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है, तो मैंने मुस्कान से बात की. उन्होंने खुद ही आके मुझे बोला कि मुझे नॉमिनेट कर दो बिकॉज ऑफ हर एक्स वाई जेड रीजंस. आई डोंट नो. अच्छा, जाके अगर ये रिक्वेस्ट करेगी लोगों से कि नॉमिनेट कर दो मुझे, तो क्या पता, मेरे को तो लगता है कि सूर्यास्त हो चुका है मेरे लिए अब. आरा, अभी आप बताइए मुझे कि आपने सेल्फ नॉमिनेट क्यों किया है. मुझे एलर्जी है सन से, इस वजह से मुझे इचिंग होती है पूरे शरीर में और उसके ऊपर से मुझे टास्क में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती. वंडरफुल, गुड फॉर यू. ओके, आप जा सकते हैं वापस. थैंक यू. आप भी जा सकते हैं वापस. थैंक यू वेरी मच. सो द डिसीजन इज मेड. हमारे चार पार्टनरशिप्स जो जा रहे हैं एलिमिनेशन में आ श्वेता, ध्रुव, आरा, अभिमन्यु
Aditi, Aditya, Sunaina और अभिषेक. So, guys, मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद में at the eliminations. Have a good time or maybe not. हम लोग जानते थे कि अगर गौरव और निर्मला जीतेंगे तो हमें नॉमिनेट करेंगे. अगर वो मेरे को लास्ट एलिमिनेट करने में नहीं डालती तो मैं भी शायद उसको नहीं करता. Wish them to win again. If they do not, they will be standing at my place then for sure. अभी उसने ओपन चैलेंज दिया, अभी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. I think now the game is started and it's I'm liking it somehow. Beauty, जो आज घर जाएगी, वो है with minus 12 marks. जब मैं एलिमिनेशन राउंड में जा रही थी तो मुझे बिल्कुल भी चांसेस नहीं लग रहे थे बचने के लिए. गुड इवनिंग ब्यूटीज, गुड इवनिंग गीक्स, आपका स्वागत है आपके दूसरे एलिमिनेशन पर. सो अभी ये एलिमिनेशन में सिर्फ ब्यूटीज घर जाएंगी. तो मुझे लगा कि आज तो भगवान ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता यहाँ पे. कुछ तो अच्छा हुआ और मैं बहुत खुश था. आज हमारी ब्यूटीज जाएंगी एक कमरे में, आओ बजर रूम, और वहाँ पे आप पाएंगे चार बजर्स. मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा और फिर ब्यूटीज आपको वहाँ से देखना होगा कि क्या आपके गीक्स वो क्वेश्चन सही आंसर दे सकते हैं. अगर आपको लगता है तो आप प्लीज वहाँ से बजर प्रेस करना और यहाँ पे लाल बत्ती आपके गीक के सर पर जगेगी. हमें ऑलमोस्ट पता था कि एक दूसरे को क्या क्या आता है क्या नहीं आता है. मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं जो है इजी, उसके लिए 1 मार्क मिलेगा. 3 क्वेश्चंस हैं जो मीडियम है और उसके लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स. और 3 मार्क्स मिलेंगे हार्ड क्वेश्चंस के लिए और वो भी मेरे पास है 3. अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपका ईजी के लिए -1 और मीडियम के लिए -2, हार्ड के लिए -3. So, let's get started with our elimination test. Girls, take your place in the buzzer room, please. Geek, ये सब questions आपके study material के ऊपर based होंगी. So, आपका study material था on massage. So, get ready. पहला question for 1 mark and easy is, अगर आप massage करवा रहे हैं तो आपको मसाज देने वाला को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? Oh, it was a very close one. वो क्वेश्चन का आंसर मुझे आता था कि मसाज करने वाले को क्या कहते हैं. उसमें सुनैना ने थोड़ा लेट बजर दबाया. आदित्य के पास भाई, प्रोफेशनल मसाज करने वाले को मैसेज बोलते हैं. वो है गलत. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन हेड मसाज को हिंदी में क्या कहते हैं? याद नहीं आ रहा था. बहुत इजी है यार. चंपी. करेक्ट, दैट्स 1 पॉइंट फॉर यू. सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए, ये गाना किस फिल्म स्टार पर पिक्चराइज हुआ था? ओह, इट्स अ क्लोज वन. आदित्य, सो यू कैन आंसर. एक्चुअली आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन राज कपूर एंड अशोक कुमार. मैं ये कह सकता हूँ कि उन दोनों में से कोई भी नहीं है. सही जवाब था जॉनी वॉकर. जॉनी वॉकर मैंने तो सिर्फ उसकी सुना है. सो मूविंग ऑन टू द मीडियम क्वेश्चंस. अभी थोड़े क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते जाएंगे. रेडी? सो फर्स्ट क्वेश्चन इन द मीडियम फॉर 2 मार्क्स. अगर आप अपनी बॉडी के लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन को रिलैक्स करने के लिए मसाज करवाते हैं तो वो ऑर्गन कौन सी है? Wow. Okay, so Abhishek, आप बता सकते हैं मुझे? Skin. Correct. Okay, moving on. अगर आप शीयात्सु मसाज के लिए गए हैं तो सेशन शुरू होने से पहले आप अपने कौन से कपड़े उतारेंगे? Wow. आपकी ब्यूटी यहाँ रहना चाहती है अभिषेक. आप आंसर कर सकते हैं? पता नहीं. नहीं पता? एक्चुअली शीयात्सु मसाज करा जाता है कपड़े पहन के, तो वहां पे कोई कपड़े नहीं उतारने थे. नाउ आर यू रेडी फॉर द लास्ट क्वेश्चन इन द मीडियम राउंड? इफ यिन
is the feminine and passive? What is masculine and active? Aditya. Yang. Sahi jawab. Aapko milte hain 2 points. So, let's move on to the hard questions. 3 marks ke liye, shiatsu 2 words ka combination hai. She. Buzzes to bab gaye hain aur question abhi tak hua nahi. Main itni excited ho gayi thi ki maine Professor Andy ko question bhi nahi complete karne diya tha. Aditya. Any ideas? She ka matlab hoga release of pressure, release of pressure. I'm sorry Aditya, ye galat hai. Shiatsu is a Japanese and Chinese mix of massage. Usko nahi pata, wo mujhe bahut hairan kiya, kyunki answer mujhe pata hai. Okay geeks, here we go. Question 2. Which stroke in massage is similar to playing drums? Wow. So main pehle puchunga Abhishek ko. Tony. Kya Abhishek aapne kuch seekha tha? Ki nahi? Seekha tha. To fir kahan gaya? Answer actually hai deportment. Okay, moving on. Last question. Ye aapka aakhri question hai. 3 points ke liye. Lazy man's yoga, यानी के सुस्त आदमी का योगा, किस मसाज का दूसरा नाम है? ध्रुव. No idea. Okay, geeks, आपके स्कोर्स मेरे हाथ में हैं. जब एंडी ने क्वेश्चंस खत्म करे तो लड़कियों को बुलाया पोडियम पे, तो लड़कियां हमारे साथ आगे खड़ी हुई. So beauties, आप बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि आपके गीक्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी? मुझे इन पे विश्वास नहीं था कहीं ना कहीं, लेकिन इन्होंने मुझे गलत साबित किया. सुनैना, क्या आप बच गई? मुझे आपके गीक को कुछ आता नहीं है. एक्सपेक्टेड बहुत था एंड ही इज नॉट परफॉर्म दैट वेल एक्चुअली. ओके वेल अभिषेक, सुनैना आप हैं एट फोर्थ प्लेस. अगर वहाँ पे आंसर देने के लिए सुनैना खड़ी होती तो शायद मार्क्स और अच्छे आते थे. उसके बाद विद -8 अभिमन्यु, क्या वो आप हैं? एट थर्ड प्लेस इज ध्रुव और श्वेता. ओके सो अभी रह गए आदित्य, अदिति, अभिमन्यु और आरा. द ब्यूटी जो आज घर जाएगी वो है with -12 marks. Aditi, आप यहाँ पे रहेंगी, आप अपने कमरे में वापस जा सकती हैं क्योंकि आरा आप घर जा रही हैं. आरा ने खुद नहीं टाइम पे बजर प्रेस नहीं करे, मेरे को लग रहा था कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आरा बचे. आरा प्लीज लीव. उसी की फॉल्ट थी, मैं कहूँगा ये बजर कर नहीं पाई वो टाइम पे प्रेस. एनीवेज एक्चुअली वो जाना चाहती थी तो आई थिंक इट्स गुड फॉर हर कि वो गई. सो गाइस वन वार्निंग, प्लीज स्टार्ट लर्निंग योर स्टडी मटेरियल एंड ऑफ कोर्स यू आर डिसमिस्ड, यू कैन गो. थैंक यू. आपका प्रोजेक्ट है कीड़े मकोड़े. आई एम गोइंग अवे, आई एम गोइंग बैक टू मुंबई. उसने अपना रोप खोला, मेरा तो मुंह खुल गया. बैगन बनाए थे, आम बनाए थे, लोटस का फूल बनाया था. कभी लड़की का किसी स्केचिंग नहीं की थी. सुबह आज नई लड़की आई है, मुझे लगता है कि शी इज कम विद एन ऑब्जेक्टिव. उसने मैसेज भेजा है, सुनैना, कि यू कमिटेड आर समथिंग, नाउ इट्स योर टाइम टू पे. मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था. हाउ कैन समबडी एल्स बैग इट? सी हु वांट्स टीआरपी, सी हु इज नॉट एंड हु इज अनएजुकेटेड, रियली सी.